आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया के पास में बहुत ही रिच नॉलेज है पौराणिक टाइम से। हम बहुत क्या कहते हैं किस्मत वाले रहे हैं इस मामले के अंदर कि आर्यभट्टा जैसे लोग थे या तुलसीदास जी कालिदास जी जैसे लोग थे जिनके पास में अपार भंडार था संस्कृति और सभ्यता और ज्ञान का। उसी के चलते ये ज्ञान लेकिन कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे रामायण अगर किसी ने नहीं लिखी होती तो हमें पता नहीं चलता राम जी और सीता जी के बारे में। इसी तरह महाभारत नहीं लिखी होती तो हमें उसके बारे में पता नहीं चलता। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डिजिटल इंडिया ने एक और अप्रोच यूज़ की है जिसका नाम है डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम उसी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। वेलकम दोस्तों, आज का वीडियो के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में हम पता करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया इंडिया के पास में बहुत सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि जनरली मुंह से या हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं तभी आगे पास ऑन होती है। लेकिन ये मैक्सिमम ट्रेडिशनल नॉलेज इनएक्सेसिबल होती है क्योंकि कोई भी आदमी जब तक इंटरनेट नहीं था और अभी भी जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता तो इसको किसी को और को बताना या पूरे लोगों को बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी के चलते डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट लॉन्च किया गया। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? ये CSIR द्वारा मैनेज की जाती है। ये एक कंप्यूटराइज डेटाबेस है जिसके अंदर इंडियन टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है, 10 साल से ऊपर और 2 लाख फॉर्मुलेशन है आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा योगा के जिनको डॉक्यूमेंट किया जा चुका है। TKDL इंडिया का है, डिजिटल लाइब्रेरी है, ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए है। 2001 में स्थापित किया गया था और इसकी वेबसाइट का नाम है www.tkdlres.in। अब ये इवॉल्व कैसे हुआ है? इवॉल्व मतलब ये जहाँ से शुरू हुआ 2001 में उसके बाद में इसके अंदर क्या संरचना चली और क्या क्या चीज़ें सही हुई। विनोद कुमार गुप्ता ने इसको सेटअप किया था। किसको? TKDL को, जिसके अंदर मॉडर्न क्लासिफिकेशन और पेटेंट क्लासिफिकेशन इंडिया के ट्रेडिशनल सिस्टम के जो कि आयुर्वेदा यूनानी और सिद्धा योगा से एसोसिएटेड है उनको लिया गया। ये 2001 में बनी थी, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के अंडर में आई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी आई। इन सब के कोलोब्रेशन में है ये। किस किस के? CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदिक योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी यानी आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन सब का कोलैबोरेशन है TKDL में। 2010 तक इसके अंदर 148 बुक आ गई हैं आयुर्वेदा और यूनानी की और 34 मिलियन पन्नों की इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट कर दी गई है। 34 मिलियन पन्नों की इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट कर दी गई है 5 भाषाओं में। किस किस में? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जैपनीज। इसके अंदर 80,000 फॉर्मुलेशंस का डेटा है, 10 लाख यूनानी, 12,000 सिद्धा TKDL पे डाले जा चुके हैं। प्लस इसके अंदर साइंड एग्रीमेंट है लीडिंग इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसर्स से, जैसे कि यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, यूके ट्रेडमार्क एंड पेटेंट ऑफिस, यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए। इसकी इम्पोर्टेंस हमने ऑलरेडी देखा कि इसके अंदर पेटेंट, ट्रेडिशनल नॉलेज, हेल्थ, मेडिसिन जो कि भारत की है उसको अपने पास रखने और सब लोगों को पहुंचाने के ऊपर जोर दिया गया। ये TKDL यानी डिजिटल लाइब्रेरी के रिगार्डिंग जो हमने ऑलरेडी पढ़ाया है या बता चुके हैं वो ही इसके अंदर लिखा हुआ है। ये TKDL का होम पेज है, जो वेबसाइट हमने आपको बताई वहाँ पे जाएंगे आप तो ये इसका होम पेज है। आपको सर्च करना होगा तो कैसे करेंगे? इस तरह से सर्च आएगा जिसके अंदर आपको टाइटल, IPC कोड, कीवर्ड या डिजीज़, इसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं जिससे आपको आपकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मुहैया करा दी जाएगी।
एडवांस सर्च का ऑप्शन भी है, जिसके अंदर आप अगर ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो आईपीसी कोड, बिब्लोग्राफी, टाइटल, इनके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। इसका हेल्प मेनू है, जिसके अंदर आपको हर तरीके की हेल्प मुहैया करा दी जाएगी, जो कि इसका बैकबोन बहुत अब बताया जा रहा है। अब एज ऑफ 2010 हमने आपको बताया, अभी तक इसके अंदर 75 किताबें आयुर्वेदा की, 10 किताबें यूनानी, 50 किताबें सिद्धा, 15 किताबें योगा, टोटल 150 किताबें और 2,92,000 ट्रांसक्राइप्शन हो चुके हैं। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट की गई है इंडिया के डिजिटल इंडिया मूवमेंट द्वारा, उसके अंदर आपको होम्योपैथी, मेडिसिन और आयुष के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती है उनके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार जाके प्लीज़ देखिएगा, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो के द्वारा आपको एक जानकारी मिली होगी कि ये भी जगह है जहाँ जाके मैं कुछ चीज़ें देख सकता हूँ। इसी के साथ सॉलिड आपसे विदा लेता है, बने रहिए सॉलिड चैनल के साथ में, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।